जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि 1,42,00,000 रुपए का वार्षिक बजट 2022-23 समाज के हर वर्ग को कवर करेगा और किसी भी असमानता या अन्याय का कोई सवाल ही नहीं है। सिन्हा ने एक मीडिया सम्मेलन के दौरान बजट के मुख्य फोकल एरियाज पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म सेक्टर पर मुख्य जोर रहेगा। सिन्हा ने कहा, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है और हम एक बार फिर ये सुनिश्चित करेंगे कि टूरिज्म सेक्टर उसी ऊंचाई तक पहुंचे जहां कुछ दशक पहले था। उन्होंने कहा कि इस साल सितंबर में चिनाब घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन का ध्यान पावर सेक्टर पर भी है, जो कई दशकों से बीमार है। उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर बिजली सरप्लस बनाने के लिए तैयार है। सिन्हा ने कहा कि आने वाले वर्ष में बिजली विभाग श्रीनगर और जम्मू शहरों में प्रत्येक जिलों में 3,00,000 से ज्यादा 6,00,000 स्मार्ट मीटर स्थापित करेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लोगों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली भी मिलेगी। 30 तारीख को जम्मू की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और इस बार मैं समझता हूँ इस गर्मियों में जम्मू के लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। अगर हेल्थ सेक्टर की बात मैं करूँ तो 7,873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी तक मोटे तौर पर 56,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत सेहत का कार्ड उपलब्ध कराया जा सका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये कार्ड मिले और इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। आप सबको मालूम है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पिछले 2-3 वर्षों में काफी उसमें गिरावट आई है। इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि इसे सिंगल डिजिट पर ले आने का काम हम करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा और उधमपुर इस वर्ष शुरू हो जाएगा और मुझे विश्वास है इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने के बाद यहाँ जो MBBS की सीटें हैं वो 1,300 पहुंच जाएंगी। अभी खबर आपने 1-2 दिन पहले ही पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर के 3 जिले TB से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और भारत सरकार ने उन 3 जिलों को पुरस्कृत किया है। तो जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में TB मुक्त भारत, जबकि दुनिया ने ये लक्ष्य रखा है 2030 का, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर उसके पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 7 नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम भी साल पूरा कर दिया जाएगा। हेल्थ बजट के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए मशीनरी के लिए और 400 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए भी आवंटित किए गए। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर एक योजना मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी है और उसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है और एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आने वाले दिनों में हम सब शुरू करने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस वर्ष 11,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें जम्मू तथा सांबा के स्कूलों में अक्षय पात्रा ने पायलट बेसिस पर बच्चों को हॉट कुक्ड मील मैंने अच्छा गर्म भोजन उपलब्ध करा रहा है। धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में ये भोजन उपलब्ध हो इसका इंतजाम किया जाए। सरकारी स्कूलों में 500 किंडर गार्डन इस वर्ष हम शुरू कर रहे हैं। 520 स्मार्ट क्लास रूम तथा 200 नए वोकेशनल लैब इस वर्ष तैयार किए जाएंगे। 37 गर्ल्स हॉस्टल तथा 12 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8,000 मेधावी ट्राइबल समुदाय के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। रजौरी और सोलानवे अतिरिक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। मनरेगा के अंतर्गत 446,00,000 मैनडेज जनरेट करने का भी लक्ष्य रखा है और ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 1500 पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा एक्सपोजर विजिट के रूप में। 54,000 से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस साल हम बनाने जा रहे हैं। इस वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, ये कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि परिवहन ही परिवर्तन लाता और कनेक्टिविटी कहीं के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कनेक्टिविटी के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर वित्त मंत्री जी का भाषण आपने लोकसभा में सुना होगा
तो उन्होंने बात कही थी कि 2019 के पहले लगभग 6.54 माने मोटे तौर पर 7 किलोमीटर रोड का मैक्टिमाइजेशन जम्मू कश्मीर में होता, आज ये रफ्तार 20.68 लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा। तो अगर मैं रफ्तार की बात करूं तो रफ्तार हमारी इस क्षेत्र में 3 गुनी बढ़ गई। अगर सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2019 के पहले जो गति थी उससे दुगनी गति से ज्यादा सड़क का निर्माण यहां हो रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 12वें स्थान पर होता, आज हम 3रे और 4थे स्थान पर लगातार बने हुए। जम्मू कश्मीर में रोड तथा ब्रिज की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 6,296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बजट में। मैं नेशनल हाईवे के सभी परियोजनाओं का जिक्र करूं, कुछ का जरूरी समझता हूं। जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड, बारामूला गुलमर्ग रोड, सेमी रिंग रोड, ये सब आने वाले दिनों में पूरे कर लिए जाएं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 नई सड़क और कई टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये जो जिस राष्ट्र का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा अगर भारत सरकार जो स्कूल विद डिफरेंस Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK Update. Update rahe hamare saath. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।